वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से किसानों के वफ्द की मुलाकात। रहीम यार खान के किसानों ने शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, अपने मसाइल से आगाह किया और इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि माफिया करप्ट निजाम से फायदा उठा रहे थे। तहकीकात पर चीनी महंगी करने की धमकी भी दी, किसानों को दुरुस्त वक्त पर गन्ने की कीमत दिलवाई, किसानों का किसी हाल में इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी और डीएपी खाद की बोरी मजीद 200 रुपए मजीद महंगी हो गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में 5400 रुपए में मिलने वाली डीएपी खाद की बोरी अब किसानों को 5600 रुपए में मिलेगी। घर बनाने वालों और जहेज के लिए पेटियां खरीदने वालों के लिए परेशानी, लोहा 120 रुपए किलो महंगा कर दिया गया, जिसकी चादर भी 20 रुपए इजाफे से 140 रुपए के किलो हो गई। मुल्तान में लोहे की 6 फीट की पेटी 6000 रुपए तक महंगी, शहरी परेशान। अगवा क्यों हुए, यही तुम्हारा जुर्म है। राजनपुर पुलिस की मंतक, कच्चा से बाजियाब होने वाले दोनों पुलिस अहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया। अरशद और इरफान पर दौरान ड्यूटी गफलत का इल्जाम, चौकी जीवन का एएसआई अब्दुल रहमान भी नौकरी से बर्खास्त। हुनर किसी की मिरास नहीं, लैया में दूध फरोश ने इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर बना डाला। चौक आजम की रिहायशी खालिद इकबाल ने मुख्तलिफ अशिया छोड़कर बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया। एक मन वजनी चार्ज ट्रैक्टर में 3 मन वजन खींचने की सलाहियत मौजूद। ट्रैक्टर के पीछे छोटी ट्रॉली रेजर समेत दीगर मशीनरी भी लग सकती है। और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने जिंदगी की 69 बहारें देख ली। शहीद बीबी के दस्ते रात यूसुफ रजा गिलानी ने अवामी खिदमत की पादाश में 5 साल जेल भी काटी।